हेलो फ्रेंड्स, टेक इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आपको बताने वाला हूं कि ये जो आपका लुमिनस का सोलर चार्ज कंट्रोलर है, क्या ये बिना बैटरी का मोबाइल को चार्ज कर पाएगा। इसके पीछे जो यूएसबी लगा हुआ रहता है साइड में, यहां से जो अगर हम मोबाइल चार्ज करते हैं, अगर इस बैटरी के कनेक्शन को हटा दें तो क्या ये मोबाइल को चार्ज कर पाएगा, तो इसी का हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अगर चार्ज नहीं कर पाएगा तो किस रीज़न से नहीं कर पाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। थ्योरी में तो मज़ा नहीं है, तो प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को ये डेटा केबल की ज़रूरत होगी, जिससे हम लोग पहले मोबाइल चार्ज करके देखेंगे। अभी कनेक्शन प्रॉपरली किया हुआ है, यहाँ पे ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका लुमिनस का सोलर चार्ज कंट्रोलर है 12 वोल्ट 6 एम्पियर का, और ये आपका 5 वाट पिक का सोलर पैनल है जो कि 18 वोल्ट BMP जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इससे मोबाइल चार्ज करके देखेंगे। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं, यहाँ पर USB कनेक्टर में इसको लगा दिए, ठीक है फ्रेंड। अब इससे हम लोग पहले मोबाइल कनेक्ट करके देखेंगे कि चार्ज हो रहा है कि नहीं, तब उसके बाद हम लोग हटा के देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अभी सनलाइट काफ़ी तेज़ है, तो थोड़ा इसका ब्राइटनेस हम तेज़ कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए चार्जिंग मोड में आ चुका है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर मैंने जैसे ही कनेक्शन किया, ये चार्जिंग मोड में आ चुका है। देखिए जब कनेक्शन हटाएंगे तो ये देखिए अभी चार्ज होना बंद हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग बैटरी के कनेक्शन को हटा के देखेंगे। तो पहले आप इसको देख लीजिए चार्जिंग मोड में आया है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखिए आपका चार्जिंग मोड में आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बैटरी देखिए आपके सामने ही लगा हुआ है, अभी यहाँ से एक कनेक्शन खोल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, चार्जिंग ऑफ हो गया है, ठीक है फ्रेंड। बैटरी का कनेक्शन मैंने हटा दिया तो चार्जिंग आपका ऑफ हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, होता क्या है कि जनरली PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर को ऑन रखने के लिए हमको बैटरी का रिक्वायरमेंट होता ही है। अगर आप सोलर पैनल को इससे कनेक्ट कर दीजिएगा और आपने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है तो आपका चार्ज कंट्रोलर ऑन नहीं हो पाता है, प्रॉपरली ये फंक्शन नहीं कर पाता है। इस प्रोसेस के लिए हमको बैटरी का लगाना ज़रूरी है। जब सोलर चार्ज कंट्रोल का सिस्टम वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से मैच कर जाता है तो चार्ज कंट्रोलर ऑन हो जाता है, उसके बाद ये अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए हमको मोबाइल चार्ज करने के लिए बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो सोलर टेक इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।